गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आज आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परिवार नियोजन की विधियाँ। ठीक, आज हम जानेंगे। देखिए, पिछले उसमें वीडियो में हमने ये जान लिया था कि परिवार नियोजन क्या है। ठीक, परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि परिवार नियोजन किस किस तरीके से किया जा सकता है, विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसके तरीके कौन से हैं। तो वही टॉपिक है, परिवार नियोजन की विधियां, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं परिवार नियोजन की विधियां। देखिए, परिवार नियोजन में दो विधियां हैं, एक स्थायी विधि है और अस्थायी विधि है, और दूसरी स्थायी विधि है। ये अस्थायी विधि है और ये स्थायी विधि है। मतलब ये परिवार नियोजन की वो विधियां हैं जो थोड़े समय के लिए रहती हैं और उसके बाद वो अपना काम खत्म करने के बाद हट जाती हैं। स्थायी विधियां क्या होती हैं कि जीवन में एक बार विधि अपना ली गई तो उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए जो है परमानेंट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं स्थायी विधि। अब आगे देखते हैं परिवार नियोजन की विधियां में पहला अस्थायी विधि। तो इसमें परिवार नियोजन के लिए के निम्नलिखित उपाय आते हैं, मतलब अस्थायी विधियां जो होती हैं उनके लिए निम्नलिखित उपाय होते हैं कौन कौन से, जैसे लूप अथवा कॉपर्टी। देखिए, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा टीवी वगैरह पर एडवर्टाइजमेंट आता था, अभी भी आता है। ठीक, तो लूप अथवा कॉपर्टी क्या होता है। देखिए, लूप अथवा कॉपर्टी क्या होता है। कॉपर्टी जो होता है वो कॉपर का बना, धातु का बना होता है और इसकी सजा टी के आकार की होती है, बिल्कुल ऐसा होता है ऐसा, और इसके ऊपर एक लूप जैसा ऐसा लगा होता है। ठीक, इसको बोलते हैं कॉपर्टी, ये कॉपर का बना होता है। और इसमें क्या होता है कि इस कॉपर टी का महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर अपने जनन पथ में लूप या कॉपर टी लगवा लेनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर, परिवार कल्याण केंद्र अर्थात जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो उस पर जाकर क्या करते हैं, अपने जो जनन पथ होता है, ठीक, जो जनन पथ होता है उस जनन पथ में लूप या कॉपर टी लगवा लेती हैं, और जिससे क्या होता है कि इससे गर्भधारण नहीं होता है। देखिए, कॉपर टी को वेजाइना में लगवा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइना के आगे नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है और संतान का निर्माण अर्थात जायगोट या भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। तो कॉपर टी का उपयोग एक अस्थायी विधि के रूप में किया जाता है और जब आवश्यकता नहीं होती तो इसको हटवा दिया जाता है। अगला आता है गर्भ निरोधक औषधियाँ। देखिए, गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं तो ये एक प्रकार की औषधि है, दवाइयाँ हैं। ठीक, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है गर्भ धारण करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं, जैसे मालाडी, ये इसका बहुत एडवर्टाइज आता था टीवी वगैरह पर आता है। तो स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं, जैसे मालाडी, माला एन, पल्स, सहेली, इस टाइप से। आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भ निरोधक किसी एक औषधि का नाम बताइए, गर्भ निरोधक किसी एक औषधि का नाम बताइए, तो मालाडी, माला एन और पल्स सहेली, ये सब ऐसी औषधियां हैं जो गर्भ धारण करने से रोकती हैं। ठीक, तो इनमें कोई भी एक गोली प्रतिदिन खाने से, कोई भी एक गोली ले लें इसकी प्रतिदिन खाने से क्या होता है, गर्भ धारण नहीं होता है। क्यों, देखिए, जो ये औषधियां हैं इसमें हार्मोन्स होते हैं, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को बाधित करते हैं, जिस कारण से संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। अगला, गर्भ निरोधक सुई। देखिए, कुछ जो है हॉस्पिटल वगैरह में कुछ ऐसे इंजेक्शन भी आ गए हैं, उन इंजेक्शनों को लगवा लेने से क्या होता है, शिशु का निर्माण अर्थात फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसी सुई को क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक सुई या इंजेक्शन। ठीक, तो ऐसे इंजेक्शन को लगवाने से क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है। तो स्त्रियां गर्भ निरोधक सुई भी लगवा सकती हैं, अगर संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए गर्भ निरोधक सुई भी लगवा सकते हैं। तो ये थी आपकी अस्थायी विधियां। ठीक, अगला आता है स्थायी विधियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणियां बहुत हो जाती हैं। आपसे पूछा जाता है वैसेक्टॉमी पर टिप्पणी लिखिए या ट्यूबेक्टॉमी पर टिप्पणी लिखिए, वैसेक्टॉमी काहे से रिलेटेड है और ट्यूबेक्टॉमी काहे से रिलेटेड है। तो ये टिप्पणी बहुत पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आई है, इसको आप दिमाग में अपने बिठा लीजिए। तो स्थायी विधियां, तो देखिए, पुरुष अथवा महिलाएं शल्य चिकित्सा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन। ठीक, तो पुरुष अथवा महिलाएं शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन द्वारा गर्भधारण की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन का नाम वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी,
ठीक। वैसे टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी एक प्रोसेस होती है उस ऑपरेशन के द्वारा, तो इसमें क्या होता है पुरुष और महिलाएं शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन द्वारा गर्भ धारण की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। पुरुषों में इसे नसबंदी और महिलाओं में इसे नलबंदी कहते हैं। पुरुषों में इसे क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। और महिलाएं जो होती हैं, अगर महिलाओं में ये क्रिया हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। ठीक। तो नसबंदी में क्या होता है? वैसेक्टॉमी। नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे नसबंदी नहीं पूछा जाएगा बल्कि आपसे वैसेक्टॉमी पूछा जाएगा, क्योंकि वैसेक्टॉमी पर टिप्पणी लिखी है, तो आप ये नाम जरूर याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें पुरुष के दोनों शुक्र वाहिनियों को काटकर, देखिए जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, ठीक, जो शुक्र वाहिनियां होती हैं उन शुक्र वाहिनियों को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, और काटकर बांध दिया जाता है। शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकलते। देखिए शुक्राणु बन जाते हैं, लेकिन शुक्राणुओं को बाहर निकलने के लिए शुक्र वाहिनियों की आवश्यकता होती है। जब शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है तो जो शुक्राणु बनते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण से संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं वैसेक्टॉमी या नसबंदी। ठीक, तो इसमें शुक्र वाहिनियों को काटकर बांधा जाता है। अब अगला आता है नलबंदी, ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें क्या होता है? ये महिलाओं में होती है। तो ये इसमें महिला की दोनों अंड वाहिनियों को काटकर, देखिए उसका चित्र बनाया था, तो देखिए ऐसा था जैसे गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय में क्या होता है, जैसे ये गर्भाशय मान लेते हैं और ये यहाँ पर ओवरी है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका जो होता है, यहां पर इसमें यह संरचना होती है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। तो देखिए ओविडक्ट को क्या किया जाता है? काटकर बांध जाता है। ये ओविडक्ट होती है और ओविडक्ट को काटकर बांध दिया, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ ओविडक्ट होती हैं जिनको काटकर बांध दिया जाता है। ओविडक्ट को काटकर बांध दिया जाता है, और ओविडक्ट को जब काट के बांध दिया जाता है तो जो अंडाणु मुक्त होता है वो गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक, तो जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय तक पहुंच नहीं पाता है, और गर्भाशय तक जब पहुंच नहीं पाता है तो निषेचन की क्रिया हो नहीं पाती है, और निषेचन की क्रिया ना होने के कारण से संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो वही है, इसमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनियों को काटकर बांधते हैं, इससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।